स्टूडेंट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच आई टेलिंग यू द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 1 and 2 इट आस्क दैट इफ एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड एथलीट इज रनिंग हेयर वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minute and 20 second. The question is asking you the distance and displacement after 2 minute and 20 seconds. Again listen the question. What is the question? Question is asking you that an athlete is running on the circular track whose diameter is 200 meter and it takes 40 seconds to complete the one rotation. So the question is that how much distance it will cover and the displacement it cover if time is 2 minute and 20 seconds. Chaliye answer kya hai. First, we find the radius of circular path R is equal to 200 upon 2 equal to 100 meter. Then what is the circumference of circular path? It is 2 pi r and 2 into 22 by 7 into 100. It becomes 4400 upon 7 meter. This is the distance that ship will cover if one rotation we do. But they are asking you how much time. If time given is 2 minute and 20 second, इसमें कितना चलेगा? The time is 140 second. अब 140 second में हमें पता करना है ये कितना जाएगा. 40 second में एक चक्कर लगाता है तो 140 second में कितने चक्कर लगाएगा? The rounds in 140 second will be 140 upon 40. इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल हैव 3.5 राउंड्स. इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 3.5 राउंड्स. दीज आर द राउंड्स. सो अब 3.5 राउंड्स में हाउ मच डिस्टेंस कहां होगा ये देखिए. आइए देखते हैं. चलिए व्हेन ऑब्जेक्ट starts, suppose it starts from the hair, AB is the diameter, starts from here, one rotation, second one, third one, but here they are given the number of rotations. How much? 3.5. Half rotation is the all. Okay. Half rotation ka matlab, it will stop there. Just opposite to the A. That is just on the other end of the diameter AB. Yahan pe aake rukega. To distance kitna ho jayega mere liye?
distance table will be number of rotation into the distance covered in one rotation. So it will be 7 से डिवाइड करेंगे, यू हैव द 0.5 एंड इट विल बिकम 2200 मीटर. 2200 मीटर यहां पर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है. यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. दिस इज द इनिशियल पॉइंट हियर, दिस इज द फाइनल पॉइंट. इट इज द डायमीटर एबी. ये क्या हो गया? डायमीटर एबी बिकम्स 200 मीटर. तो व्हाट वी से, आंसर हमारा आया, डिस्टेंस आया 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 200. इट इज 2200 मीटर एंड इट इज 200 मीटर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. डू दिस, ओके, यू कैन नोट इट. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू. इन दैट क्वेश्चन अगेन ए पर्सन, द थर्ड क्वेश्चन हियर. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन सेज अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू द स्कूल. मैं इसलिए थर्ड टेकअप कर रहा हूं क्योंकि मैं थर्ड आपको करवा चुका हूं पिछली क्लास में. केवल डेटा का डिफरेंस है. क्या है थर्ड क्वेश्चन में? अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूटर्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर आवर. ऑन द रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक सो एवरेज स्पीड इज 30. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल्स ट्रिप. तो अब्दुल क्या हो रहा है? ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूटर्स. सपोज इसका घर है, स्कूल जा रहा है, तो यहां पे आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर. एंड ही रिटर्न्स बैक विद द 30 किलोमीटर पर आवर. आपको याद होगा मैंने 40 और 60 किलोमीटर लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था. इट इज द सेम क्वेश्चन. यहां पर आप डिस्टेंस इसका एक्स अज्यूम कर लीजिए, इधर जाने का एक्स अज्यूम कर लीजिए, वापस आने का. तो टोटल डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा 2x और टाइम इसका हम जो निकालेंगे एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30. इसको करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप लाइव क्लास में उसको फिर पूछ सकते हैं. इसको मैं आपको बता चुका हूं उसको पहले भी. सो कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू स्टेट्स दैट अ पर्सन जोसेफ जॉक्स वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्टेट 300. ए पर्सन इज देयर इज डूइंग द जॉगिंग फ्रॉम ए टू द बी ऑन ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड. The length of AB is given as 300 meter from A to B is going like this. State told in 2 minutes 30 seconds. So time taken from A to B. इसको मैं T1 लिख देता हूं. It is 2 minute and 30 सेकेंड इज द टाइम. तो कितना हो जाएगा? 2 × 60 + 30 120 + 30 = 150 सेकेंड. यहां पे इसको लगे. देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर्स बैक. देन ही टर्न्स अराउंड, ये वापस आ रहा है इधर, टर्न्स अराउंड
from A to B, he covers 300 meter. Taking time 2 minute 30 second, that is the 150 second. Then he turns around and jogs about the 100 meter. वापस आया कहां से? B से. कहां रुक गया? C पर. To the point C in another 1 meter. So time and what is the distance BC? BC is 100 meter. Time taken from B to C is, it is a 1 minute. That is 60 seconds. You see here, I am converting the minute into the second, because earlier I told you we do the calculation in the meter and second, not in the minute or hour. So question, what are the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and A to C? हमसे वो जानना चाह रहा है एवरेज स्पीड और what are the Joseph's average speeds and velocities? Average velocity दोनों बतानी हमको. कब कब? From A to B और A to C. तो हम क्या करेंगे, पहले हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे. तो ये हमारी प्रॉब्लम है यहां पर. तो ये आप इसको नोट कर लीजिए जो मैंने बताया था इतना डायग्राम, क्योंकि मैं इसको इधर ये सब रब करने वाला हूं कि मैं इस पे वर्कआउट करूंगा. बीसी हमको चाहिए नहीं, ये हमको चाहिए नहीं अभी. चलिए इसको रख लेते हैं, इसको डायरेक्टली हम यहां पर साफ करके लिख देते हैं 150 सेकंड. फिर लिख देते हैं टाइम फ्रॉम बी टू सी, इसको मैं लिख देता हूं टी टू, दैट इज 60 सेकंड. इसको बैठा देते हैं. सो नाउ एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ए बी अपॉन द टाइम टी वन. डिस्टेंस कितना था? 300 मीटर और टाइम कितना है? 1 सेकेंड. इट इज 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. नाउ एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, that is a distance AB plus distance BC upon time T1 plus T2. अब AB plus BC कितना हो गया मेरे लिए? 300 plus 100, time कितना है? 150 plus 60, it comes out to be 400 upon 210. तो ये हो गया 40/21 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब उसको एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए यहीं पर. सब मैं एवरेज वेलोसिटी को चेक करूंगा तो क्या चेंज आएगा यहां पर. अब एवरेज वेलोसिटी ए से बी में वो सेम रहेगी जो हमारा एवरेज स्पीड थी, बिकॉज व्हेन देयर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ए से बी तक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. जो चेंजेस आने वाले हैं वो यहां पर आएंगे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, यहां चेंज आएगा यहां पर. तो हम यहां पर लिखने वाले हैं अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है यहां पे? ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट एसी और टाइम हो जाएगा टी वन प्लस टी टू.
एसी मेरे लिए हो जाएगा 300 माइनस 100 अपॉन 150 प्लस 60 बिकम्स 200 अपॉन 210 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड इट इज द एवरेज वेलोसिटी इस केस के लिए आ गई। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसके बाद में और क्वेश्चन टेकअप करेंगे अभी हम।